हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो स्वागत है आप सभी के नए व्लॉग में। और आज पहली बार मैं कैमरे के सामने आया हूँ, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी है इस चीज़ को लेके, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ और बताता हूँ उस सब चीज़ के बारे में जो यहाँ पर चल रही है, और एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सारा अपडेट दे देता हूँ कि कैसे कैसे काम चल रहा है। तो देखने को तो ये कैफ़े वैसे छोटा सा ही होगा, बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है और पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करना कितना मुश्किल है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जो क्लिप्स थी कि हमारा सामान कैसे ऊपर आया रोड से, क्योंकि 20 मीटर्स के अराउंड थोड़ा सा स्टीप सा स्लोप है, जो चढ़ाई काफ़ी खड़ी सी हो जाती है, तो वहाँ पर जो ये बोर्ड हैं ये अराउंड 1 क्विंटल के अराउंड के तो सारे बोर्ड हैं, तो उन्हें लाने में कितनी मुश्किलें हुई हैं ये सब चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। और एक बारी मैं आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ कि अभी तक कितना काम हुआ है हमारे पास और क्या क्या चीज़ें पेंडिंग पड़ रही हैं, तो आप सभी लोगों को वो आइडिया भी हो जाएगा। तो गाइस, ये है लोकेशन हमारी जो मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी आप लोगों को, तो इस लोकेशन को तो काफ़ी लोगों ने देखा ही है पहले। और ये है काम जो फ़िलहाल अभी हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और पहले हमारा जो विचार था वो ये था कि इधर साइड में नेट ना लगाएं, इसे खुला रखते हैं, ओपन स्पेस रखते हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी फ़िलहाल 2-4 दिन तक काम बंद था, तो यहाँ पर बंदर वगैरह काफ़ी आए, उन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया। तो हमने प्लान करा कि इस एरिया को यहाँ से कवर्ड कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर यहाँ पर ये नुकसान ना करे ज़्यादा। और ये है अब हमारा ये पोर्शन भी कम्प्लीट हो गया, तो यहाँ पर पीछे सीढ़ियाँ होंगी, स्टेयर्स आएंगी, वो पीछे के पोर्शन में जाएंगी। और ये जो पीछे का एरिया होगा ये भी सेटिंग के लिए होगा, जैसे ओपन में बैठना है या फिर पीछे के एरिया में कहीं जाना है जहाँ से देहरादून का व्यू आता है, तो वहाँ पर बैठ के चिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ ये अंदर क्या क्या काम हुआ है। ये फ्रंट है जो किचन का फ्रंट होगा, बाकी जो इसमें ये बोर्ड वगैरह यूज़ करे गए हैं किचन में, ये 50 mm के बोर्ड हैं, ये अराउंड 80 kg के अराउंड एक बोर्ड का वेट है, और यहाँ पर पूरे 26 बोर्ड लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेट कितना और इन्हें लाने में कितनी मशक्क़त हुई होगी। ऊपर थोड़ा सा स्पेस अभी खाली है तो मेरी आवाज़ इसलिए गूंज भी रही होगी यहाँ पर। ये हमारा वॉशरूम है जो यहाँ पर अटैच होगा इसमें, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से ये इसका दूसरा डोर होगा जो बाहर जाने का है। और ये पीछे का एरिया सारा आ गया है, ये पीछे का पोर्शन होगा। और बाकी नीचे जो सपोर्ट में है, अब हमने पिलर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए क्योंकि वेट काफ़ी हो गया है, इन शीटों का इतना ज़्यादा वेट है तो हमें सपोर्ट काफ़ी हैवी रखनी पड़ी है नीचे, और ज़्यादा सपोर्ट कर दिए हमने क्योंकि वेट काफ़ी ऊपर होने वाला है। इसके बाद भी इसके अंदर सामान डलेगा, किचन में सामान आएगा, फर्नीचर वगैरह होगा, और काफ़ी लोग इसके ऊपर बैठेंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सपोर्ट थोड़ा सा हमने हैवी कर दिए। बाकी ये है काम अभी काफ़ी पेंडिंग में है, अराउंड 5-7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा जो काम बच रहा है इसमें। अब ज़्यादा कुछ इतना खास काम है नहीं। और ये आप देख सकते हैं व्यू सामने का। मैं बाकी अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसमें वीडियो में क्लिप डाल दूंगा कि हमारा सामान कैसे ऊपर आया, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि पहाड़ों में गाइस कंस्ट्रक्शन लगता है इजी है बट उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं वो पता नहीं रहता लोगों को, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा वीडियो में। कंस्ट्रक्शन करना है आसान बट पहाड़ों में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है बस, और आपका जो ट्रांसपोर्ट एंड ऑल का चार्जेस है, लेबर का जो चार्जेस है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डबल हो जाएंगी। वो दिखा देता हूँ जो फ्रंट का पोर्शन है और स्ट्रक्चर में कैसी प्रॉब्लम आती है। अगर प्लेन लैंड होता तो इसमें हमें इतना इशू नहीं आता, क्योंकि प्लेन लैंड में आपको इतने ये सपोर्ट वगैरह नहीं डालनी पड़ती हैं, ये इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। बट इन पिलर्स के चक्कर में एक तो खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा क्या, इन्हें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सपोर्ट का काम करती हैं, ऊपर वेट होगा तो मेन जो सपोर्ट है वो सारी की सारी इन पिलर्स में ही है, तो ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हो चुका है काम, तो थोड़ा बहुत फिनिशिंग वगैरह बच रही है इसकी, ये भी अराउंड 5-7 डेज में सारा का सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। सो गाइस, ये पोर्शन हमारा जो जहाँ से हमारी हस्कील में एंट्रेंस होती है, मतलब जो नीचे मेन पार्ट है हमारा, वो यहाँ से शुरुआत होती है। बाकी ये हमारे जो शीटें हैं एवरेस्ट बोर्ड के यहाँ पर रखे हुए थे, और ये जो भाई लोग हैं ये इन बोर्डों को ऊपर चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड जब ये उठाएंगे तो इसका वेट कितना है,
जो ये आगे भाई है, इस भाई ने तो सिर्फ दो ही बोर्ड उठा के ले गया था, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, इनके बदले फिर कोई और आए थे एक्सचेंज में, वो सीट उठा के ले गए क्योंकि इनसे इतना वेट उठाया नहीं जा रहा था। तो कुल मिला के बात ये है, इस वीडियो में मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपको पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करना है तो सीमेंट और ब्रिक वाला तो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है और सस्ता मेथड है। ये शीट आप देख सकते हैं, ये 50mm वाले बोर्ड है जो मैंने आपको दिखाया था किचन में यूज़ करी है। ये पार्टीशन के लिए सबसे अच्छे हैं, साउंड प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं और साथ में आपका फायर प्रूफ भी है, तो ये एडवांटेज मिल जाता है इन शीटों को यूज़ करने में। बाकी ये थोड़ा सा स्टीप स्लोप है जो 20 meters होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही थी। और ये बाकी की शीटें हमारे पास जो 20mm की है, ये 1 quintal की है, और जो अराउंड आपका 8-10mm की शीट्स हैं वो 50-60 kg के अराउंड है। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लोप है लगता है 20 meters का, इसके बाद तो बिल्कुल सामने पे ही किचन आ जाती है, बट ये जो पोर्शन था इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही थी सामान ले जाने में। इसके बाद दो चार शॉट्स में और डाल देता हूँ जो ये ऊपर सामान लेके आ गए हैं, एंड थोड़ा सा मैं जो हमारी क्लिप्स थी इसके बाद की जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसकी थोड़ा बहुत क्लिप्स डाल देता हूँ ताकि आप देख सकें कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ। ये काफ़ी दिनों का टाइम लैप्स हैं जो मैंने सारे कंबाइन करके छोटी छोटी क्लिप्स में डाले हैं, इसमें ऐड ऑन करके, ये आप देखिए कैसा ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था। पहले इन्होंने ऊपर का फ्रेम तैयार किया, उसके बाद ऊपर की शीटें लगेंगी इसमें। अब जैसे ही हमारा ये ऊपर का फ्रेम रेडी हो जाएगा, इसके बाद फिर ये जो बीच का पोर्शन है ये रेडी करेंगे, इसके बाद अंदर किचन की फ्रेमिंग होगी सारी की सारी। किचन की फ्रेमिंग के बाद फिर ये साइड का जो पोर्शन था जो नेट वाला था वो कवर आज हुआ है फाइनली, इतने दिनों बाद जाके। ये छोटी सी क्लिप है वैसे, बट इसे ऑलमोस्ट अराउंड 20 days के अराउंड हो चुका है काम को, बट ये थोड़ा सा आसान तरीका इसलिए है क्योंकि अगर आप कंक्रीट का काम कराते हो तो वो इस लैंड पे हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो पोर्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में वो सारा का सारा नीचे है और वो सारा का सारा पोल्स में खड़ा है, तो वो सीमेंट वाला और ब्रिक वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे में नहीं बन सकता, उसके लिए आपको प्रॉपर पूरी लैंड चाहिए होती है। बाकी जो फैब्रिकेशन का काम होता है ये इजीली कंस्ट्रक्शन आपका कर देता है और जल्दी भी हो जाता है, इसमें आपका एक तो टाइम बचता है और थोड़ा सा आपका जो अमाउंट लगता है वो भी उसके कंपैरिजन में बहुत कम लगता है। ये गाइस अब अंदर किचन का जो पोर्शन था उसमें ये पार्टीशन कर रहे हैं, ये वही 50mm के ब्लॉक्स हैं सारे के सारे, ये एक के बाद एक में जाके लॉक हो जाते हैं, इसके बाद सारा बाहर वाइट वॉश होगा इसमें, तो ये ब्लॉक्स का पता भी नहीं चलता कि ये ब्लॉक्स हैं या फिर आपका ब्रिक की वॉल है, अगर इसमें अच्छे से वाइट वॉश हो। और अंदर जो इसकी लाइनिंग होती है उसमें सिलिकॉन डाली जाती है ताकि कुछ भी पता ना चले, और ये सबसे अच्छा और ईजीएस्ट वे आपका पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करने का। आप कैफेज बनाओ, होम स्टेज बनाओ या फिर आप कैबिन वगैरह प्रीफर कर रहे हो, ये सबसे ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट वे है आपका बनाने का। सो गाइज, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आगे से मैं अच्छा एनहेंस करने की कोशिश करूँ। अभी फ़िलहाल नया हूँ, पहली बार वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चीज़ करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है। धीरे धीरे होपफुली आप सभी का साथ रहेगा और प्यार रहेगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड तक। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी और जो टॉपिक्स हैं मैं धीरे धीरे करके कवर करूँगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।